नमस्कार अदाब सत श्री अकाल, आप जुड़ चुके हैं तस्कीन न्यूज़ के साथ। हमारे स्टूडियो में आज ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि क्लासिकल डांस टीचर है, एक अध्यापक है कथक भरतनाट्यम, जो कि हमारे कल्चर में जो ये डांस आता है। और इनका नाम ऐसे दीपक दत्ता है, लेकिन इनको इस फील्ड में नृत्य श्री दीपक दत्ता नाम दिया गया है। और आज हमारे साथ ये शख्सियत मौजूद है, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मोस्ट वेलकम सर हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले हम आपके इस नाम के बारे में जानना चाहेंगे कि जो नाम आपको इस फील्ड में मिला है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? दीपक दत्ता से नृत्यश्री दीपक दत्ता बनना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। पहले तो गली नुक्कड़ में नाचने वाला, लाइक सिंपल परफॉर्मेंसेस दे दी या स्कूल लेवल पे परफॉर्म किया। जब कॉलेज ज्वाइन किया तो एक ऑफ़र था इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल की तरफ से कि आपको वहाँ परफॉर्म करना है। आई वॉज़ कनेक्टेड टू देम, बट उस समय इतना ज़्यादा नहीं था वहाँ पे, तो ओपन चैलेंज एक चैम्पियनशिप होती है। तो ये कब की बात है? दैट इज़ इन 2001। यस मैम, तो मैं सिर्फ एक बिगिनर था, तो अभी सीख रहा था, लर्निंग स्टिल अभी भी सीख ही रहा हूँ। बट उस टाइम पे तो गए वहाँ पे परफॉर्म किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वॉन दैट। फिर 2006 तक लगातार वो फर्स्ट प्राइज चलता रहा साथ साथ में। एंड लास्ट में जब इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल का लास्ट ऑप्शन था, जब इसमें नृत्यश्री टाइटल कैटेगरी एक आती है, तो या तो वो सारा छिन जाता तो या तो फिर कुछ नया जुड़ जाता। तो दिया कंपटीशन में था, तो आई परफॉर्म दैट, पंडित बिजू महाराज जी के छंद थे, आई परफॉर्म्ड ऑन दैट एंड आई शाम रोक ले, एंड काफ़ी एक्लेम्ड वो था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय लॉर्ड माय पेरेंट्स आई गॉट द टाइटल एज नृत्यश्री दीपक दत्ता। ग्रेट, आज आपके सामने हम ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं जो कि, जबकि देखा गया है कि हम सिर्फ जम्मू की बात नहीं करेंगे, सारी जगहों की बात करेंगे। जो ये कथक और भरतनाट्यम है, बहुत टफ डांस माना जाता है, क्लासिकल डांस जो है, और हमारे जम्मू में भी शायद एकेडमीज बहुत कम है इस डांस। एक पेट्रियाकियल जो वर्ल्ड है ना, उसमें एक जो कथक और भरतनाट्यम को लेकर अगर बात की जाए, तो बेसिकली एक फीमेल जो एक एम्पायर है इसमें, लाइक यू नो मेल परफॉर्मेंस बड़े छिटपुट हैं और जो है वो दे आर लाइक टैबू, उनको बड़ा मतलब एक अलग उनको क्लासिकल डांस जो है फीमेल रिजर्व फॉर फीमेल्स ओनली। बट भूल गए कि जो यू नो जैसे इतिहास की अगर बात करते हैं, तो जैसे नृत्य शास्त्र की बात करते हैं, तो डेमी गॉड्स जो यक्ष थे वो भी मेल में ही थे एंड दे यूज टू परफॉर्म इन मंडपास जो होते थे हमारे, और इवन के जो दरगाहों पे भी जो परफॉर्म करते थे वो भी मेल ही थे। फीमेल्स का तो बाद में, बिकॉज एक रक्स और यू नो जो फॉर द एंटरटेनमेंट पोर्शन को जब सेपरेट किया गया, तो लाइक उसमें, बट इस स्टेज पे आ गई ये था कि जब कोई मेल अगर फीमेल अटायर में परफॉर्म करता है तो उसको कुछ और यू नो एक टैबू समझा जाता है कि यार क्या है ये लाइक, बट काफ़ी चैलेंजिंग था। हाँ, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा मुझे हाथ पैर मारने पड़े, बट स्टिल आई एम ऑन द वे टू स्ट्रगल कि जब तक हाथ पैर मारते हैं देन वी आर गेटिंग, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक यू नो टफ स्टोन की बैठ गए, आई हैव टू स्ट्रगल एंड वो चल रहा है अभी भी। जो हमारी मेहनत होती है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, तभी आज आप हमारे सामने बैठे और हमें मौका दिया आपसे बातचीत करने का। आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना हर एक फील्ड में, हर एक काम में, जब तक हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं होती हमें वो फील नहीं आता उस काम में, और तब तक हमें वो सक्सेस नहीं मिलती है। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। फैमिली का ये था कि पापा मेरे ऑफिस सुपरिटेंडेंट नॉर्दर्न कमांड में, मामा हाउस वाइफ, शी वॉज इन पुलिस, बट वेन शी गॉट मैरिड शी रिटायर्ड अप। एंड डांसिंग का ये था कि पापा ने तो बोला कि आई वॉन्ट टू बी एन आर्किटेक्ट, कि मुझे बनाना है आर्किटेक्ट, तो आई ज्वाइन द आर्किटेक्चर एंड किया कंप्लीट। अब डर से किया या कैसे भी किया, आई डन इट। बट जब डांसिंग का ऑप्शन मैंने लिया तो पापा कहीं ना कहीं नाराज थे कि तू क्या प्रोफेशन ले रहा, बट हाँ उनकी तरफ से सपोर्ट काफ़ी था कि उन्होंने ये बोला कि देख ले अब लाइक यू वॉन्ट टू बी फ्रॉम द आउट ऑफ द बॉक्स, और यू नो हमारी सोसाइटी में एक मेल और फीमेल को लेकर पिंक एंड ब्लू बॉक्सेस जो बने हुए हैं, तो ये एक कुछ ऐसा था कि यू नो मेल उस बॉक्स में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो पाता। तो फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ओके यू वॉन्ट टू फ्लाई गो है, तो किया। बट सेकेंड स्टेज पर आके तो पापा हरदम साथ रहे, और मम्मी पापा का मुझे बिगेस्ट सपोर्ट रहा है।
ओके ग्रेट। तो सर अभी आप ये कहाँ पे सिखाते हैं? जी मेरा बेसिकली जो क्रश था, दैट इज़ आई वांट टू बी यू नो अ टीचर इन अ सीबीएसई पैटर्न स्कूल्स, एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड नटराजन एंड माय पेरेंट्स एंड लॉर्ड शेषनाग, और आई गॉट एनरोल्ड माई सेल्फ एज अ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल्स, एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन जम्मू इन आर्मी पब्लिक स्कूल एज अ सीनियर डांस टीचर. तो सर हमें आप ये बताइए कि जैसे कि कथक में जो है ज़्यादा पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, जी और जो भरतनाट्यम में थोड़ा सा डिफरेंस हमें दोनों में बताइए क्या होता जी कथक का तो मैं आपको बता दूं कि उसमें नख से शिख, यानी कि आपके नेल के मतलब अंगूठे के नेल से लेके आपके बालों तक आपका मतलब अंग अंग थिरकता है. भरतनाट्यम में बहुत ज़्यादा पॉस्चर्स हैं, मुद्राएं हैं, है। एक्सप्रेशंस हैं. एक्सप्रेशंस इज वेरी एग्जैक्टली मस्ट। दोनों ही, अगर मुझे कोई पूछा जाए कि तुम्हारा फेवरेट कौन है, तो ये तो वही बात हो गई कि आपकी दोनों आंखों में से बेस्ट आंख कौन सी बिल्कुल है, बिल्कुल या बिल्कुल। मैं दोनों को ही परफॉर्म करना मतलब बहुत पसंद है थोड़ा मुझे. सा मुझे आप मतलब हाथों से जो कुछ साइंस होते हैं, मुद्रा जिन्हें कहते लाइक लॉर्ड हैं। नटराज के लिए वी हैव टू गो फॉर द लाइक दिस, देन वी हैव ओके, टू फॉर द फ्लावर, देन वी गो फॉर दिस, एंड यू नो मैं एक्सप्रेशंस अपने देन यू फॉलोवर्स को हैव. कहूंगी अगर आपने कभी नहीं किया तो आप एक बार देख के आप सीख यस सकते लाइक हैं। देन वी हैव टू गो फॉर द मिरर, तो फिर ये ऑप्शन है. देन शर्म लज्जा का अगर होगा तो दैट इज, एंड आंखें का नीचे, हाँ एंड जी यू नो हाँ, हर एक चीज जो है उसमें एक फील है जब आप परफॉर्म करो, फ्रॉम नेचर टू यू नो एवरीथिंग जो हमारे आसपास है, यू कैन फील द फ्रेग्रेंस ऑफ यू नो अ नेचर आर सराउंडिंग्स इन द डांस, अच्छा। स्पेशली इन क्लासिकल. तो आपके जो ये शोज रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक आप गए हैं, जी कहाँ कहाँ पे आपके ये शोज रहे हैं? वेल द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन मैम. मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ. एक तो जैसे आई गॉट डॉक्टर साधु सिंह हमदर्द अवार्ड, देन श्री अवार्ड सम्मान, ये तो आपको पता ही है. देन उर्वशी सम्मान, एंड माई बिगेस्ट अचीवमेंट, हालांकि बहुत सपना रहता है सबका, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का. हम सिर्फ मूवीज में सुनते हैं कि ऐसी कोई चैंपियनशिप होती है, बट सच में ये होती है. एंड इन 2016 आई वॉज एंटाइटल्ड एज अ बेस्ट मेल डांसर एंड यंग परफॉर्मर कैटेगरी. ये हमारा जो मेन फिनाले था, दैट वाज इन बेंगलुरु, कन्नड़ा साहित्य परिषद में हुआ था. जो फेमस हमारे जो लेजेंड है हमारी बॉलीवुड के, गिरीश कर्नाड जी, वो उनका वो ऑडिटोरियम है, एंड आई वॉज द विनर. तवनी अब कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच मैम, अगेन। थैंक यू सो मच. ओके सर, और बताइए हमें कुछ अपने बारे में, और इसके अलावा आप क्या-क्या करना पसंद करते हैं? खाली तो हालांकि बैठता नहीं हूँ, बट बच्चों के साथ बैठना बहुत पसंद है. पैरानॉर्मल जो है मूवीज देखना या बुक्स पढ़ना मुझे बहुत शौक है, एंड मामा के साथ बैठना बहुत पसंद है, एंड खाना बनाना बेसिकली. जी ओके, जी जी कुकिंग भी जी जरूरी जी है। जी 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 ओके तो जो आपने जो पहले आपने जो करके दिखाया था मुद्रा कहते हैं, मुद्रा है. हाँ एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली एक मैं भी सीख सकती हूँ हाँ, यू कैन या गो फॉर दैट, यू कैन गो आई फॉर. वांट, मैं चाहती हूँ कि मैं एक आप मुझे करके बताइए कैसे। ओके लाइक यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है. ये दिस हमारा बेसिक, इट्स अ डांस मुद्रा बेसिकली, ओके मतलब स्टार्टिंग या जो एग्जैक्टली होगी, अगर आपको व्हाट्स द मीनिंग इसका? इसकी मीनिंग नहीं, बेसिकली इट्स अ स्टार्टअप मैम, इट्स अ इट्स अ स्टार्ट। स्टार्टअप, या ओके एग्जैक्टली. ओके एंड अगर आपको जैसे लज्जा का दिखाना है, देन गो फॉर लाइक दिस, या लाइक दिस. दिस एंड जैसे ओढ़नी ओढ़ते हैं, लाइक ओढ़नी ओके ओढ़ना ओके है, हाँ ये लाइक दिस किया आपने दोनों, एंड डाउन, लाइक दिस या सी एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके सर, हमारे यूथ के लिए कोई मैसेज जो आप जैसे टीचर है जो इस आपके जो क्लासिकल डांस है इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? पहली बात तो ये कि मैं जब तक हूँ तब तक तो मैं परफॉर्म करूँगा. साथ ही साथ मेरा सपना है कि मैं एक एकेडमी खोलूँ फॉर द कथक लवर्स एंड भरतनाट्यम लवर्स, बिकॉज ख़त्म हो चुका है. यू नो ये एक ऐसा चैप्टर है जो ख़त्म होने की कगार पे है, स्पेशली माई स्टेट, बिकॉज कुछ टिपिकल्स को ही रेपिटेशन मोड पे डाल डाल के वही सब चीज़ें हो रही हैं, एंड दोज हु आर एक्सपेरिमेंटिंग द सागास, बेसिकली दे आर नम इन नंबर, वो बहुत कम है, एंड दे आर नॉट यू नो दैट नोटिसेबल. नोटिस होना पड़ेगा. एंड यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वट प्रोफेशन और वट यू नो चैलेंजेस यू वुड लाइक टू हैव इन योर लाइफ, फेस देम, बिकॉज वो सिर्फ आप ही हो कि फेस करोगे तो आप ही, लेकिन जब आप स्टेज पे या दुनिया के सामने वो चीज़ आएगी, आप ही लेजेंड कहलाए जाओगे,
तब क्रेडिट जो सक्सेस का होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर यूथ। साथ के सो मच। साथ मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, जैसे कि हमारे जम्मू में श्रीनगर की भी अगर बात करो, वेस्टर्न डांस जो है उसकी बहुत सारी एकेडमीज है, और जो कथक और भरतनाट्यम है ये है, इनकी एकेडमीज बहुत गिनी चुनी है जहाँ तक मैंने देखा है। तो ऐसा कारण क्या है, मतलब ऐसा क्यों? बस ये हवा ही कुछ ऐसे चल पड़ी है, लेकिन क्योंकि आप भी इस चीज़ को मानती होंगी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पाश्चात्य जो कंट्रीज हैं, वो हमारे इंडिया का कल्चर फॉलो कर रही हैं, एंड बदकिस्मती कहेंगे कि हम लोग जबकि उठ यही के भरतनाट्यम कथक हमारे भारत का सबसे हमारी बड़ा ही स्थान दिया जननी जाता है, है। हमारी ही जननी है, हम ही इसके हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे इंडिया से ही मतलब गए हैं। बट गंगा यहाँ से निकली है तो कहाँ तक चली गई, लेकिन वहाँ की जो धूप है यहाँ की, उसने सबको अपवित्र कर दिया कि डांस का मीनिंग क्या है वो टोटली ख़त्म हो चुका है, कोई नहीं समझ सकता। वो ये सब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो वेस्टर्न डांसेस भी हैं, दे आर नॉट द वेस्टर्न फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स, दे आर द डांस स्टाइल्स। जो डांस फॉर्म्स हैं वो वही रहेंगी, दैट आर द यूनिवर्सल। आप कहीं भी जाके देखोगे, सन को आप सन ही कहोगे, मून को आप मून ही कहोगे, एंड नृत्य शास्त्र को आप नृत्य शास्त्र ही कहोगे, आप उसको माइकल जैक्सन की बेबिलियोग्राफी नहीं कहोगे। जो डांस फॉर्म्स हैं वो वही रहेंगी, हाँ डांस डांस स्टाइल्स चेंज होते रहेंगे, लाइक एन आउटफिट्स। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो डांस क्लास क्लासिकल के जो टीचर है, अध्यापक है, जो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें टीचर अवेलेबल नहीं होते भरतनाट्यम और कथक के, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आपकी एकेडमी खुले और सबसे पहला एडमिशन मैं लूँगी। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अवर स्टूडियो। तो ये हमारे साथ दीपक दत्ता जी थे, काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन दीपक मन्हास के साथ मैं आयशा शेख।